यही है वो जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आकर फोटो खिंचवाते हैं, ये ट्रेन जाती है और ये लोग बैठ कर जाते हैं। हेलो, ये देखो भाई, तो भाई साहब ये है इधर की थाईलैंड की ट्रेन। भाई थोड़ा घूम कर आते हैं इस ट्रेन को, क्योंकि तो ये भाई बहुत ज़्यादा हिलती है ये ट्रेन। ये लास्ट है, इसमें 3 बोगियाँ हैं। ये देखो भाई लॉटरी सेल कर रहा है भाई, बेचारा अपना काम कर रहा है, देख लो अगला अंधा है। पर लॉटरी भाई इसका बहुत सारे लोग हैं लॉटरी खेलने वाले यहाँ पे। चलो अब यहाँ से फुकेट के लिए मैं निकल रहा हूँ। आज तो नहीं पहुँच पाऊँगा मुझे लगता है, क्योंकि 2-3 दिन लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। मुझे लगता था कि जो बाहर में ये लोग रील बनाते हैं लड़के, मतलब जो भी कोई आता है कहता है कि यार इंडियन खाना मुझे बहुत ही याद आ रहा है, ऐसे कहते हैं, तो मुझे वो होता था कि मतलब अभी तो गए हैं और इतना जल्दी याद आने लगा। तो भाई अब मुझे पता चल रहा है कि कितना तकलीफ़ होता है भाई खाने का। 2 ही दिन में मैं आया हूँ यहाँ पर भाई, बहुत ज़्यादा क्या कहूँ यार, सिर्फ इस इनका खाना मसाला बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे घीन भरने लगता है, थोड़ा सा खाता हूँ तो पेट भर जाता है, आधा से ज़्यादा मैं छोड़ ही देता हूँ भाई इसके पास। यार पूरा नॉन वेजिटेरियन है यार, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। चलिए तब भी तो खाना पड़ेगा ही, मैं निकल रहा हूँ आगे फुकेट के लिए। अभी मैं हूँ बैंकॉक के मेन मार्केट सिटी सेंटर के बगल में, इसका नाम है बांग चौक। भाई इस मार्केट का नाम है जहाँ पे मैं हूँ बांग खाए बैंकॉक। आप सर्च करोगे इसी एरिया में ही हॉस्टल था बांग चौक पे, और बहुत ही अच्छा था भाई, मैं कहूँगा कि रहो आओ, बस इतना ही है। ये मेट्रो लाइन है, ऊपर से देख सकते हो। अभी मैंने सर्च किया कि यार इस सिटी से बाहर निकलना सही रहेगा, पर क्या कहते हैं यार, मेट्रो ना ही ट्रेन कुछ नहीं है, बस बस चलती है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा। मेट्रो का ही मान लो आप इतना 60-60 लग रहा है, 60-65 बार, तो ये सब का क्या कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो भाई ये यहाँ का मेट्रो है बांगवा का, यहाँ से ही आपको कहीं पे भी जाना हो वहाँ पे आप जा सकते हो, मतलब ये सिटी में ही घूमता है, उससे आगे आप कहीं भी नहीं जा सकते। तब भी मैं पूछता हूँ कि भाई उसके आगे क्या कोई जगह है कि जा सकते हैं उससे आगे पीछे, क्योंकि यार मुझे अब सिटी से बाहर निकलना है तो मुझे आगे की ओर जाना है। देखो क्या होता है, ये भाई मेट्रो दिखाया, हालांकि मेट्रो में ही मैंने ज़्यादातर सफ़र किया इस वीडियो में आपने देखा। ये मतलब रिसेंटली ये सब जो आप देख रहे हो अभी वाला, वो सब अभी अभी का है, ताज़ा है। तो भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो भाई इसने वो बाहर निकल के मुझे समझाया कि भाई ये आपको जाना है, ये है बैंगवा, तो आपको जाना है बैंगवान, वहाँ से आपको मिलेगी खैमखोंग की, या अब भूल ही गया, खैमखोंग की मेट्रो लाइन। यहाँ पे भाई शो करेगा ये सब मेट्रो लाइन है भाई यहाँ का। उसने उत्काट जगह का नाम है, मेट्रो में हूँ, यहाँ से 50 थाई बात यानी हो गया 100 रुपये, सॉरी 110 120। तो क्या कहते हैं, अब वहाँ से फिर मैं आगे की ओर जाऊँगा भाई,
ऐसा है कि इसमें सफ़र करना इस मेट्रो में तो बहुत ही डेंजरस है। मतलब क्या कहें यार, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत महंगी है। उसके बाद अभी आगे का तो मैंने पूछा नहीं कितना रुपए लगेगा, लास्ट यही है, यही मैंने बोला है कि भाई मुझे जाना है भुक्ता भुक्ता, वहाँ से फिर हाईवे पे मैं उतरूँगा फिर लिफ्ट मांगूँगा। भाई ये भी हाईवे है पर मेन सिटी है तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं है। तो भाई साहब मैं अभी पैंगवा में हूँ, आपको वहाँ पे देखेगा, एक मिनट यार दिखाता हूँ भाई। अभी मैं पैंगवा में हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है वांगवाई, या हालांकि वहाँ पे नहीं जाएगा जहाँ पे मैं कह रहा था भुतकाट, और यही लास्ट स्टॉप है, वहाँ से फिर मैं अलग मेट्रो पकड़ूँगा। यस 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 भुतकाट। No need to pay more. Yes, sir. Okay, okay. Hey, रेलवे स्टेशन के बाहर हमारे जैसे ही यहाँ पे ये सब बिकता है, पुराना सेकेंड हैंड सामान, ये सब ले सकते हो। और मैं जा रहा हूँ मियाकलोंग, वहाँ पे घूमने वाला तो जगह नहीं है, बस मैं ये कर रहा हूँ कि भाई इस जगह से बाहर निकल रहा हूँ, आगे की ओर कर रहा हूँ। मियाकलोंग से फुकेट जाना है तो इस करके और मेन हाईवे पे जाना ज़रूरी है। तो ठीक है चलते हैं अब भाई, मेट्रो वेट्रो में ये सब पैसा खर्च करके मैं थक गया हूँ भाई। 40,000 कम नहीं होते यार, 40,000 आज तक मैंने कभी इंडिया में इतना पैसा नहीं खर्चा किया होगा जितना एक दिन में यहाँ पे कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा कर दिया भाई। तो भाई साहब ये भाई मिला है, ये कह रहा है कि बुतकट जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, ये स्टेशन ही है। मैंने पूछा कि भाई टिकट यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, तो इसने कहा कि टिकट विकट नहीं लगता है, तुम ऐसे ही बैठ जाओ बिना ही, मतलब अपने मर्जी से। ये कह रहा है कि ये स्टेशन ही है पर फ्री, विदाउट आप जा सकते हो। अब इसके बात में कितना सच्चाई है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। और ना भाई मैं उस पर बैठ जाऊँ आगे जाकर, टिकी कहे कि भाई टिकट दे और मैं भाई मुंह बना लूँ। ये देखो भाई ये है यहाँ का स्टेशन, मतलब ऐसे ही बैठ जाते हैं क्या, टिकट काउंटर है ही नहीं बुतकट। तो ठीक है ट्रेन का इंतज़ार करूँगा, फिर बैठेंगे फिर जाएंगे। और ये आप देख सकते हो बहुत सुंदर इन्होंने बना रखा है प्लेटफार्म। सर मेकलोंग ओके थैंक यू खपुन का। अब पीछे से दोबारा आएगी तब मुझे मिलेगा अगली बारी में। तो भाई साहब ये है इधर की थाईलैंड की ट्रेन, सीट पूरा बुक हो गया है भाई, मैं सोचता हूँ पूरा घूमूं, सब जर्नल ही है और फ्री में, मतलब ये लोग जाते हैं। अरे भाई ये देखो यहाँ से खुला हुआ है,
थोड़ा घूम कर आते हैं इस ट्रेन को, रुकी हुई है भाई, बहुत ज़्यादा हिलती है ये ट्रेन। ये लास्ट है, इसमें तीन बोगियाँ हैं और ये भाई देखो यहाँ से दोनों तरफ से खुला हुआ है। अगर जो भाई हिल हिल कर अगर जो कहीं गिरे तो गए नीचे। ये देखो भाई यहाँ पे बैठने वाला, ये सब अपर क्लास है, जो ज़्यादा अपर के लोग बैठते हैं ये वाला है। यहाँ पे लास्ट बोगी है और देखो, और वो जाकर लास्ट है। अच्छा तो टिकट जो काटता है वो बाद में आता है, मुझे तो लगा था कि पहले ही आ जाता है। भाई ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जो है टिकट टुकट सब कुछ पुलिस ही करती है सब कुछ। मैंने भाई दो बार किया था क्या भाई, देखो इंजन है जाता है। और यहाँ पे आप छोटे छोटे स्टेशन देख सकते हो, रंगपो, ये स्टेशन का नाम रंगपो है, इंग्लिश में भी लिखा है। चलो शुक्र है कि कोई कोई स्टेशन पे ऐसा लिखा है तो अच्छी तरह हो जाता है, मतलब टिकट नहीं काटते हैं। मुझे अभी टिकट दिखा फिर उसने बताया ही नहीं। यही है वो, अरे देखो मच्छर, यही है वो जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आकर फोटो खिंचवाते हैं। ये ट्रेन जाती है और ये लोग बैठ कर जाते हैं। ये देखो ये सब ट्रेनें जो हैं बंद हो, मतलब ये सब दुकानें बंद कर दिया है इन्होंने। वहाँ पे आप सामने देखोगे कि सभी लोग फोटो खींच रहे हैं। भाई मक्खी देखो, हेलो, ये देखो भाई ये भाई सब फोटो खींच रहे हैं। मैकलोंग लास्ट स्टेशन, ये भाई इंडिया से भी थे कुछ से भी ज़्यादा है लोग, और यही लास्ट स्टेशन है, यहीं पे ही लोग ज़्यादातर फोटो खींचते हैं। और ये मैकलोंग है,
जहाँ पे लोग टूरिस्ट हर एक टूरिस्ट आती है। सही है भाई, तो चलिए बोलता हूँ भाई। ये रही अपनी ट्रेन और ये लास्ट स्टॉप है नियत कॉम। और यहाँ पे जैसे कि स्टेशनों पे, हर एक स्टेशन पे होता है ये सब सामान, स्लीपर, जूता। भाई एक शर्ट मुझे भी ले लेना चाहिए, ले लूँगा तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई मैंने पहना नहीं है, मेन बात ये है। चलो जी भाई, गंद है, इन्होंने प्लेटफार्म पे भी गिरा रखा है। रेट देखो उसका, जो कंडे वाला खाने वाला है 200 का है, 200 बार यानी क्या कहते हैं, कितना हो गया, 2400 रुपये किलो। भाई बड़ा महंगा है, बहुत ज़्यादा ये सब। मैं यहाँ पे आया हूँ, पता नहीं इस जगह का नाम क्या है, इधर से घूम कर जा रहा हूँ देखने के, क्योंकि मुझे जाना था मेकोंग। मेलखोंग है, हालांकि मेकोंग कहते हैं। वहाँ से मेन हाईवे पे जाता फुकेट वाला, फिर हिचाइकिंग करता, क्योंकि दो दिन हो गया तो अब मुझे हो रहा है। ये देखो भाई सुखा देता है ये पूरा, और इस करके थोड़ा घीन भरता है, 200 रुपये का भाई पीस। साला बैंकॉक मुझे लग रहा है कि सस्ता था, ये लग रहा है पूरा मच्छी मार्केट। पानी इसमें मच्छी रखेंगे, ये देखो भाई है गर्मी के लिए, ये मतलब पूरा मार्केट है, मेन एरिया है ना। चालीस का भाई ये सब, मतलब वेज में कुछ है ही नहीं, ऐसे ही घूमो लास्ट।